इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। ऐसी बहुत सी भोजपुरी फिल्में हैं जिनको दर्शकों का बेपनाह प्यार मिला। इन फिल्मों ने न केवल अवार्ड बटोरे बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ हिट भोजपुरी फिल्मों के बारे में। गंगा देवी भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, गुलशन ग्रोवर के अलावा भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव भी थे। अभिषेक चड्ढा के इस फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक सावंत थे। अगली फिल्म है बलम परदेसिया। यह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी जिसे नाजिर हुसैन ने निर्देशित किया था। फिल्म में राकेश पांडे और पद्मा खन्ना लीड रोल में थे। इस फिल्म के गाने मेन स्ट्रीम में भी बहुत पॉपुलर हुए थे। इसके बाद अगली फिल्म का नाम है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो। पहली भोजपुरी पिक्चर थी जो साल 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को कुंदन कुमार ने बनाया था। इस फिल्म में कुमकुम, असीम कुमार, हेलेन, पद्मा खन्ना, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। यह फिल्म विधवा पुनर्विवाह पर आधारित थी जो काफी हिट हुई थी। अगली फिल्म है गंगा। फिल्म गंगा साल 2006 में रिलीज हुई थी और फिल्म गंगोत्री की प्रीक्वल थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और नगमा मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म अभिषेक चड्ढा ने डायरेक्ट की थी और इसमें रोमांस, एक्शन और ड्रामा तीनों का मिक्सचर था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था और यह सिनेमा हॉल में काफ़ी हिट हुई थी। इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।